गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बलात्कार वाले बयान के बाद से प्रदेश भर में भाजपाइयों द्वारा प्रदर्शन करते हुए दिग्विजय सिंह का पुतला दहन किया जा रहा है। इसी का विरोध करते हुए इंदौर में कांग्रेसियों ने भी भाजपा के पूर्व सांसद स्वामी चिन्मयानंद का पुतला दहन किया और दिग्विजय सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। इंदौर के परदेशीपुरा चौराहे पर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व सांसद चिन्मयानंद का पुतला दहन किया गया। कांग्रेसियों का कहना था कि चिन्मयानंद पर बलात्कार के आरोप लगे हैं, लेकिन भाजपा ऐसे लोगों के साथ है। इस दौरान कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि भाजपा ने इसी तरह आसाराम बापू का भी साथ दिया था, जो आज जेल में है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वह खुद धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद स्वामी चिन्मयानंद ने हिंदुस्तान में भगवा रंग को और हिंदू धर्म को बदनाम किया है। उन्होंने उन पर बलात्कार का आरोप है और भारतीय जनता पार्टी उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं की रही है। इसके खिलाफ हमने आज ये उनका पुतला जलाया है। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि अभी भोपाल में जो संत समागम हुआ, उसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे लोकप्रिय नेता दिग्विजय सिंह जी ने यह कहा था कि जो लोग भगवा दुपट्टा ओढ़कर बलात्कार करते हैं, उनको सनातन धर्म से निकाला जाना चाहिए। उनकी इन हरकतों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी के साथ में जैसे आसाराम बापू से लेके चिन्मयानंद तक सबके साथ में खड़ी हुई है, ये इस बात को का सबूत है कि बीजेपी और आरएसएस धर्म के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। और हमारी आस्था का प्रतीक, पूरे देश की आस्था का प्रतीक जो हिंदू धर्म है, वो धर्म को बदनाम करना चाहती है। दिग्विजय सिंह से ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, जिसने 6 महीने तक पैदल माँ नर्मदा की परिक्रमा यात्रा की और 1-2 किलोमीटर नहीं 3500 किलोमीटर की यात्रा की उन्होंने। और आज भी उनके घर में सभी प्रकार के देवी देवताओं के मंदिर है और पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेलीकॉप्टर से यात्रा की और दिग्विजय सिंह जी ने पैदल नर्मदा की यात्रा की। उनकी धर्म में अगाध आस्था है, लेकिन इस प्रकार के पाखंडियों के खिलाफ वो हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। हमने भी आज उनकी आवाज मिली। यहाँ पर आज चिन्मयानंद का पुतला जलाया और हम कहना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा लगातार, तब तक जब तक कि इस प्रकार के गंदे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है।